अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू गल्फ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल। आज 17 जनवरी और इतवार का दिन है। सऊदी अरब की कोविड-19 की रिपोर्ट और लगातार जो रिपोर्ट है वो उल्टी ही आ रही है, यानी नेगेटिव रिपोर्ट ही आ रही है। 176 केस हो गए हैं नए बढ़ते हुए, और घटते हुए 146 रिकवरी हो गई है, और मरने वालों की तादाद कल की जैसी ही यानी 5 ही है। तो देखिए, कल 140 केस थे जो कि आज बढ़कर 176 बन गए हैं। 159 रिकवरी थी नई, जो कि अभी 146 हो गई है रिकवरी घटकर। यानी देखिए कि 176 146 रिकवरी भी इतनी आज के हिसाब से नहीं आ पाई है कि जो नए केस उनको बीट कर सके। यानी एक्टिव केस इस तरह से माइनस में चले गए आज की रिपोर्ट के मुताबिक, और नेगेटिव रिपोर्ट को देखते हो कह सकते हैं कि मरने वालों की तादाद कम से कम नहीं बढ़ी है, यही बेहतर है। वरना तो नए केस भी बढ़ गए हैं, रिकवरी घट गई है, और उल्टा बिल्कुल हो गया है। तो देखिए एक्टिव केस में क्या कुछ फर्क पड़ा है, या एक्टिव केस घटे, एक नजर डालते हैं। 1919 यानी 1919 आज की रिपोर्ट के मुताबिक एक्टिव केस है, जबकि कल तक जो एक्टिव केस थे वो 1894 थे। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्टिव केस उल्टा बढ़ गए हैं घटने के बजाय, तो बहुत ही डेंजर से आज की रिपोर्ट आई है। अल्लाह अपना रहम करे, कुछ नहीं कहा जा सकता सऊदी अरब में, ये क्या चल रहा है। वैक्सीन भी आ चुकी है, उसके बाद भी इस तरह की रिपोर्ट देखने को मिल रही है, अल्लाह अपना रहम करे। 3,64,929 कुल केस सऊदी अरब में हो चुके हैं, 3,56,687 कुल रिकवरी हो चुके हैं सऊदी अरब में। फिलहाल 6,323 कुल मरने वालों की तादाद हो चुकी है। 1,919 एक्टिव केस में से 319 क्रिटिकल केस है, जो का आईसीयू में इलाज के लिए। दुनिया स्तर से देखें तो 9,44,90,863 कुल केस, 5,20,05,821 कुल रिकवरी है, 20,22,059 कुल मरने वालों की तादाद दुनिया भर में कोविड-19 से हो चुकी है। 176 नए केस किन किन रीजन से बने, सऊदी अरब में एक नजर डालते हैं। रियाज रीजन 62 नए मामले है, मक्का मुकर्रमा रीजन 34, ईस्टर्न रीजन 32, मदीना मुनव्वरा रीजन 12, कसीम रीजन 11, असीर रीजन 7, नजरान रीजन 5, अलबाह रीजन 4, हाइल रीजन 3, तबुक रीजन 2, नॉर्दर्न बॉर्डर रीजन 2, जाजान रीजन 1, अलजोफ रीजन 1। तो दोस्तों, इस तरह से आज की कोविड-19 की रिपोर्ट है, बिल्कुल नेगेटिव आज की रिपोर्ट है। बिल्कुल भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इतनी रिपोर्ट नीचे चली जाएगी, कि नए केस इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे कि रिकवरी उसके लिए नाकाफी हो जाएंगी बीट करने के लिए। बाकी एक्टिव केस पर असर तो क्या पड़ता, उल्टा एक्टिव केस बढ़ गए। तो अल्लाह अपना रहम करे हम सबकी, तो यही दुआ है कल के लिए एक अच्छी रिपोर्ट की। और उम्मीद करते हुए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पर आप अंत तक बने, शुक्रिया। वीडियो पसंद तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको सवाल सुझाव हो तो कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। तो दोस्तों, ये तो हुई सऊदी अरब की बात। अगर आप इंडिया की आज की कोरोना की रिपोर्ट देखना चाहते हैं, तो ये मोबाइल की स्क्रीन पर आपके एक वीडियो का आइकन बीच में बनकर आ रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। आप सीधे हमारे दूसरे चैनल पर चले जाएंगे और इंडिया की आज की कोरोना की रिपोर्ट देख सकते हैं। उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ताकि रोज़ाना जो वीडियो अपलोड हो आप तक पहुँचती रहे।